हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीआर एग्ज़ाम की डेट को लेकर के एनटीयू द्वारा दिए गए पब्लिक नोटिस के बारे में। कई विद्यार्थी मन में ये सवाल है, सर आईसीआर एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन हो सकता है? जो कि आप सभी को जानकारी है कि 12 सितंबर एग्ज़ाम है वो नीट एग्ज़ाम है और यहाँ पर 13 सितंबर एग्ज़ाम है वो आपका आईसीआर एग्ज़ाम है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नोटिस में साफ साफ बता दिया गया है, रीशेड्यूलिंग आईसीआर यूजी 2021 शेड्यूल ऑन 13 सितंबर, इस डेट को उठा करके इन्होंने। हालांकि इस डेट को नीट के बाद जाना चाहिए था, मैंने कई बार डिस्कस किया है कि ये डेट आपकी नीट के बाद जा सकती है। ऐसा इसलिए बताया क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो आईसीआर का है, अगर देखा जाए पिछले रिकॉर्ड में, तो हमेशा एग्ज़ाम आपका नीट के बाद ही होता रहा है। बट एनटी यहाँ पर कुछ भी कर सकती है आईसीआर एग्ज़ाम के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं अब आपकी एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर वाली डेट जो है वो 9 सितंबर में कर दी गई है। हालांकि पोस्टपोन ना होकर के इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो अब आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 सितंबर कन्फर्म है, 8 सितंबर है और आप कंटिन्यू डेट यहाँ पर 9 सितंबर में, तीन डेट में एग्ज़ाम आप कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीट एग्ज़ाम बार है, अब काफ़ी यहाँ पर डिस्टेंस हो चुकी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर किसी स्टूडेंट को किसी सिटी में जाने के लिए। और ये शायद मुझे लग रहा है कि एनटीयू द्वारा पब्लिक नोटिस है और शायद ये फाइनल डिसीजन होगा ये एग्ज़ाम कराने का। अब यहाँ पर बहुत ही कम माने 0 चांसेस बचते हैं एग्ज़ाम को पोस्टपोन को लेकर के। तो आप बिल्कुल भी मन में डाउट मत रखिए, ठीक है, बिल्कुल भी फालतू चीज़ें मत देखिए एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा पोस्टपोन होगा। काफ़ी लोग डेली में देखता हूँ नीट एग्ज़ाम डेली पोस्टपोन करते हैं। तो कृपया करके आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, होल सिलेबस का रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। चूँकि आप पास दिन बहुत कम बचे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पर करीब 15 डेज का यहाँ पर टाइम बचेगा, 15 डेज रिवीजन करने के लिए काफ़ी होते हैं। बाद बाकी हम लोग आपके प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन करवाते हैं डेली, आप लोग डेली शाम को लाइव रहिएगा, ठीक है, यूट्यूब पर। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।